पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर दे दास ते सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। नवे साल दी आप सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां। नवां साल आप सारिआं दे लई नवीआं बरकतां लैके आवे, खास करके रूहानी, क्योंकि जदों रूहानी बरकतां आउंगीआं जिस्मानी अपने आप ही आ जाणीआं। इसलिए अज पूरे वर्ल्ड दे विच पहला दिन पवित्र दिन होण दे कारण पूरे वर्ल्ड दे विच हर मसीही खुदा दी उपासना करदा है ते एक दूजे नूं नवे साल दीआं मुबारकबाद दित्ती जांदी है। सो असीं खुदा दे पाक कलाम दे विचों इस गल नूं जानना है कि नवां साल किन्हां लई मुबारक हुंदा है। सारियां लई नहीं, क्योंकि जदों 2022 शुरू होया सी मुबारकबाद उन्हां नूं भी दित्ती गई सी जिहड़े 2022 दे शुरू च ये दुनिया छड के चले गए, दरमियान छड के चले गए, एंड ते दुनिया छड के चले गए। जिन्हां नूं 2022 नसीब नहीं होया उन्हां ने भी मुबारकां लईआं भी सी ते मुबारकां दित्तियां भी सी। सो खुदा दा पवित्र वचन रोशनी है जिहड़ा छोटी तो छोटी गल नूं भी प्रगट करदा है। अंधेरे विच हर एक चीज जिहड़ी है दिखाई देण लग पैंदी है जदों रोशनी आ जांदी है। इसलिए जिहड़ा इजरायली लोकां दा जां परमेश्वर दी प्रजा दा परमेश्वर नाल झगड़ा सी वो खत्म करन दे लई शब्द दे धारी हो के आया, ते शब्द तीन खास गल्लां नूं लै के आया जिहड़ियां होशे नबी दी पुस्तक च लिखियां गईआं। क्योंकि नवां साल अज नहीं शुरू होया, नवां साल यीशु मसीह दे जन्म तो ही शुरू हो जांदा है। अज तां अपनी सोच दे मुताबक है, जबकि नवा साल यीशु मसीह दे जन्म तो ही शुरू हो जांदा। जे असीं पहली जनवरी तो पिछे नूं जाइए, पहली जनवरी तो पिछे नूं जाइए 25 दसंबर ते अज 8वां दिन आ, ते 8वें दिन की बाइबल च खास महत्ता है। क्योंकि कलाम बयान करता अब्राहम नूं आख्या गया सी तेरे घर च हर एक पैदा होने वाला जिहड़ा उहदे तों 8वें दिन सुनत करनी, ते 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह नूं हैकल च लैके गए। वो 8वां दिन से लोकां दी अंजील च लिखिया गया है। इसलिए जे पहली जनवरी तो पिछे नूं जाइए तो 25 दसंबर आउंदा, 25 दसंबर तो ही यीशु दे जन्म तो ही नवां साल जिहड़ा शुरू हो जांदा है। ते वो शब्द जिहड़ा देहधारी होके आया वो साढ़े लिए खास तीन गल्लां नूं लैके आया जिहड़ियां मनुख दे कोल है नहीं सी। अपराध करन तो पहला सी, अपराध करन दे कारण चलियां गईआं,
पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। पहली है होशिया नबी दी पुस्तक चार अध्याय ओदी पहली है। हे इसराइलियो यहोवा दी बाणी सुनो। हे परमेश्वर दे लोको परमेश्वर दी वाणी सुनो। इस देश दे वासियां नाल तां यहोवा दा झगड़ा है। देश में सारा संसार, सारा वर्ल्ड, सारी खलकत, सारी दुनिया, सारा जगत, क्योंकि जदों परमेश्वर की गल आती है तो सारी दुनिया उसका देश है। जदों किसी कंट्री की गल आती है तो एक कंट्री दी एक सीमा है, एक देश की। पर जदों सिरजनहारी की गल आती है तो सारी दुनिया उसका देश है, सारा संसार। इसलिए बड़ा क्लीयर करके लिखिया परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार किया, इंडिया नूं नहीं, अमेरिका नूं नहीं, इंग्लैंड नूं नहीं, यूरोप नूं नहीं, जगत नूं। जगत दे विच सारा संसार, सारा वर्ल्ड आउंदा है। परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार किया जो उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता वे जो ईमान लियावे वह नाश ना होवे बल्कि हमेशा की जिंदगी पावे। जदों खुदा गल करदा, वर्ल्ड की गल करदा, दुनिया की गल करदा, संसार की गल करदा, इसलिए इत्थे देश का इशारा वर्ल्ड वल है, संसार वल है। परमेश्वर होशिया नबी दे द्वारा इस गल नूं प्रगट करदा कि हे इज़राइलियो सुनो, पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, हे इज़राइलियो यहोवा दी बाणी सुनो, परमेश्वर दी बाणी सुनो। इस देश दे वासियां नाल तां यहोवा दा झगड़ा है, सारी दुनिया दे नाल। ते ओ झगड़े नूं खत्म करन दे लई ओ शब्द देहधारी हो के आया ताकि सारी मानव जाति दा परमेश्वर नाल मिलाप होवे। जदों साडा किसी रिश्तेदार साख संबंधी नाल मिलाप है फिर असी कुछ दिंदे हां ते कुछ लैंदे वी हां। मिलाप तो बाद लैण देण शुरू हुंदा। तो जिन्हां नूं असी मिलदे गिलदे ने उन्हां नाल साडा लैण देण भी नहीं हुंदा। असी चाहुंदे साडा शुकराना उह कबूल करे ते बदले चो सानू साडियां बेनतियां प्रार्थना दे उत्तर देवे। वो जिहड़ियां बेनतियां प्रार्थना रुक गईयां जिन्हां दे उत्तर नहीं मिलदे सी अपराध दे कारण, ते ओह शब्द देहधारी हो के आया ही इसे लई तां कि साडा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाल मिलाप करावे। वचन च लिखिया कि यीशु मसीह बचोला बन के आया। बचोले का काम हुंदा दो धिरां दा मिलाप करवाउणा। ते यीशु मसीह बचोला बन के आया तां कि मानव जाति नूं अपनी कुरबानी दे जरिए परमेश्वर नाल मिलावे। आया क्यों? इसलिए कि मनुख च तीन गल्लां है नहीं सी। केड़ियां केड़ियां? सुनिए। क्यों जो देश विच ना वफादारी। पहली गल, देश में संसार, संसार में मनुख, मनुख च वफादारी है नहीं। सिरजनहारे नाल वफादारी नहीं। नहीं।
ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਲਪੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲੀਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਫਾਦਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਾ ਦਇਆ, ਨਾ ਦਇਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾ ਦਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
कागज के टुकड़े च की है ये जी तबीत बनिया है। इन्हां चीजां दे नाल इंसान रात दिन उलझन समस्या दे विच ते शब्द देहधारी हो के खास परमेश्वर नाल मिलाप कराउण दे लई साडा एक वफादारी, दूजा खुदा दी दया ते तीसरा उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान लेके आया। अज मसीही जिंदगी च असी वहमां भरमां तों उपर उठ जाने हां क्योंकि परमेश्वर साडी जिंदगी नूं नवां करदा है। इसलिए लिखिया दूसरा करिंथिया 5 अध्याय उहदी 17 आयत, सो जे कोई मसीह विच है तां उह नवीं सृष्ट है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो ओ नवीयां हो गईयां हन। जे कोई मसीह दे विच है, जेने मसीह दे आउण दे भेत नूं जाण लिया आ, ओ फिर नवीं सृष्टि दा मालक बन जांदा है। जिन्हें यीशु मसीह दे आउण दे भेत नूं समझ लिया जिन्हें नहीं समझिया उहदे लई भावें 23 चढ़ जावे, भावें 24 चढ़ जावे, भावें 25 चढ़ जावे, उहदे लई नवें साल चढ़दे रहिंदे ने पर जिंदगी पुराणी दी पुराणी रहिंदी है। नवां साल उन्हां दे लई है जिन्हां जिंदगियां ने मसीह दे भेत नूं जाण लिया है। जे जिंदगी नवी हो गई तो सब कुछ ही नवा है। नवे कपड़े पाउणा नवा साल नहीं आउणा, वधिया खाने खाण दे नाल नवे साल दा कोई कनेक्ट नहीं गा। नवा साल तद आ साडे लई जे साडी सोच नवी हो गई, जे साडे विचार नवे हो गए ने, जे असी अज्ञानता चो निकल आए, जे असी वहमां भरमां चो निकल आए, जे असी बुत प्रस्ती चो निकल आए, जे असी नशियां तो आजाद हो गए, जे असी नफरत तो आजाद हो गए, जे असी निंदा चुगली तो आजाद हो गए, जे असी बेईमानी ठगी तो आजाद हो गए, फिर साडे लई नवा साल है ते याद नहीं होए ते भावें 23 आ जावे ते भावें 24 आ जावे ते भावें 25 आ जावे, जिन्ने मर्जी साल आउंदे जांदे रहण, ते जे जिंदगी पुराणी है ते फिर फल भी पुराना ही होणा। क्योंकि जिद्दण आदम दी सोच बदली उद्दण धरती ते सराप आया, आदम तेरे कारण धरती सरापत होई। ते हुण जिद्दण मसीह दे द्वारा तुहाडी सब तो पहला जिंदगी बदलेगी तो फिर जिथे तुसी रहिंदे हो तुहाडे कारण उत्थे आशीष आ जावे, सराप खत्म हो जावे। सराप धरती ते कदों आया जदों आदम दी सोच बदल गई। हुण सराप जाऊगा कदों, जो दूजे आदम यीशु मसीह दे द्वारा आदम की सोच बदल जावे, फिर सराप की जगह आशीष आ जावे, पाप की जगह धार्मिकता आ जाऊगी ते मौत की जगह जीवन आ जाऊगा। जेड़ा पहला आदम को जीवन सी जेड़ा मौत विच बदल गया
जिहड़ी आशीशी शराब विच बदल गई, जिहड़ी धार्मिकता सी ओह पाप विच बदल गई। ते ओह शब्द देहधारी हो के कोई नवी कहानी नहीं लैके आया, वो तां अदन दी वाटिका दे विच जिहड़ी विगड़ी हुई कहानी सी ओनू ही सही करन दे लई आया। इसलिए आप पढ़ते हाँ पहला उहदे राज ते धर्म नूं भालो ते सारियां चीजां तुहानूं दित्तियां, धार्मिकता नूं भालो, उहदी अधीनगी च आओ। इसलिए लिखिया आ जे कोई मसीह दे विच है ता ओ नवी दुनिया दा मालिक है, नवी सृष्टि है। केड़ी सृष्टि? ओ सृष्टि जिथे मौत नहीं, गम नहीं, जिथे रोना नहीं, भावे कुछ तरह दियां भी स्थितियां होण पर वो रब का प्रेमी ही उन्होंने गलों की परवाह नहीं कर। पढ़िए दूसरा करिंथिया 5 अध्याय उसकी 17। सो जे कोई मसीह विच है तो वह नवी सृष्ट है, वह नवी सृष्ट वा, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो वह नवीं हो गई। हाँ की हो गई? खाली साल नवा आने गल नहीं बननी, गल तद बननी है जे साडी जिंदगी भी नवी बनूगी। जे पुरानियां गल्लां चलियां जाणगियां वो जगत का चानण है, तो जिथे चानण आउंदा उतो हनेरा लोप हो जाता है, हनेरा चला जाता है। यहोवा का सत युग लिखा आ, यशाया नबी बयान करता है यहोवा का सत युग मीन्स परमेश्वर का राज। जब इंसान की जिंदगी च खुदा का राज आता तो तब्दीली आती है, जो चानण आता वातावरण च तब्दीली आती है। यहोवा के सत युग च की है? जानवरां ते डंगरां च भी तब्दीली आती है, मनुख च कितनी आनी चाहिए है? फिर ही कह सकते उसका राज साड़ी जिंदगी च है, फिर ही कह सकते असी साडे लई साल नवा है। जे तब्दीली है, जे बदलाव है। पढ़िए यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय, इत्थे बड़ा क्लियर करके लिखा आ, इहदी हेडलाइन पढ़िए पहला, यहोवा दा सत युग जिथे खुदा दा राज आउंदा है। नवा साल फिर साडे लई नवीआं बरकतां लैके आवेगा। ये बड़ा क्लियर करके लिखिया, इत्थे पढ़ दईए बच्चा सप्प दी डुड ते खेडूगा, दुध चुंगदा बच्चा सप्प दी खोड उत्ते खेडेगा। हाँ जी कितनी आयत पढ़ी है? 8 11 आयत पढ़ी है। दुध चुंगदा बच्चा सप्प दी खोड उत्ते खेडेगा ते सप्प ओहदे डंग नहीं मारूगा,
ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੂਕ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਰਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਹੈ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਦਮ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ, ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਚੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ। ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੰਖਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੰਖਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਦਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੈਨ ਨੇ ਹਾਵਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਬਣ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨ ਨੇ ਹਾਵਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਈਰਖਾ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਅੱਠ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧੋ ਛਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਗ ਦੀ ਬਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਨਾਗ ਦੀ ਵਰਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਨਾਗ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਖਾਊਗਾ। ਪੜਦੀ ਗਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਨੀ ਚਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਸ਼ਨੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂ? ਪੜ ਕੇ ਖਾ ਲੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
आनंद नाल भरिया होवे, शांति नाल भरिया होवे, वरकता नाल भरिया होवे। दुनिया नूं कुछ दिखा देना तां अपने च चंगी क्वालिटी दिखाओ, अपने च चंगे गुण दिखाओ। मनुखी आदत है वधिया कपड़े पाओ, दूजा देखे वारे दिखालन दे दौड़ लगी हुई है। दुनिया नूं कुछ दिखा देना, अपने च क्वालिटी दिखाओ, गुणा की क्वालिटी दिखाओ। तुहानूं कहना ना पवे मैं मसीह नूं मानदा, दुनिया कवे तुसीं मसीह नूं मनदे, दुनिया कवे लोक है जिथे तुसीं जाने साडे बच्चियां नूं भी लै जाओ, जिथे तुसीं जाने साडे न्याणियां नूं भी लै जाओ, इन्हां दा भी सुधार हो जावे। ऐदां दे बणो, फिर देखो नवां साल। तुसीं कहोगे वाकई नवे साल ने आके साडी जिंदगी बदल दित्ती है, ते जे जिंदगी पुरानी रह गई फिर नहीं कोई लाभ है। फिर तो एक फंक्शन की तरह है, तो फंक्शन तो संसार च रहिंदिया बथेरे आउंदे जांदे रहिंदे, घर आ गया, गुआंढियां दे आ गया, रिश्तेदारां दे आ गया, चल गए, खा पी के आ गया, मना लिया, खर्चे करके आ गए, ये नहीं कोई लाभ है। पर जे असी इस गल नूं समझ लिया तो फिर साडे लई रोज आनंद है, फिर हर दिन नई आशा लेके आऊगा, हर दिन साडे लई एक नवी बरकत लेके आऊगा। टारगेट रखिए, निशाना रखिए, जो 2022 च नहीं होया 23 च करना है। 23 च जिंदगी बदलनी है, 23 च निंदा चुगली छड़नी है, 23 च भैड़े काम छड़ने हैं, 23 च ईरखा छड़नी है। जिहड़ा अग नूं बुक्कल च लैंदा ना नुकसान उहदा हुंदा, दूजे दा नहीं हुंदा। जिहड़ा ईरखा रखदा, जिहड़ा नफरत रखता, नुकसान उहदा ही होना है, दूजे का नहीं होना। जिहदे प्रति तुसीं रखदे उहनूं तां कई बार खबर भी नहीं हुंदी, ते आपां एवें दूजे पासे नूं मूंह करके तुरे रहिंदे, उहनूं पता भी ना होवे, उह सोचदा वी कोई गल तां इदां दी होई नहीं, ते गल पता नहीं की है, उहनूं पता ही नहीं हुंदा। तो परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह मोहब्बत लेके आया, खुदा दी उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान लेके आया, उस ज्ञान नूं पहनो। जे पहन लिया फिर तुसी उहदे राज दे हकदार बन सकते हो। मत्ती दी अंजील च लिखिया पातशाह ने राजकुमार दा ब्याह कीता, यीशु दी जिंदगी वल इशारा, यीशु दे जीवन वल, उहदे आउण वल इशारा। उत्थे लिखिया बहुत सारे सद्दे गए, कई सद्दे गए आए नहीं, पर जिहड़े आ गए तां पातशाह मेलियां नूं वेखण लई आए। जदों मेलियां नूं वेखण लई आया तो उत्थे लिखिया आ कि एक मनुख ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ। ਗਲਾਤਮਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਤੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਣਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
इस लिए नवे साल का मतलब नवी जिंदगी है। हाँ जी गां ते रिछनी पढ़िए। गां ते रिछनी चरन गईआं इकट्ठीआं अते उहनां दे बच्चे इकट्ठे बैठणगे। ते हुण बंदे नहीं बहिंदे इकट्ठे, इन्हां ने डंगरां ने तां की बहिणा, बंदे नहीं इकट्ठे हो गए बहिंदे। तदे प्रभु ने कहा जिथे दो जां तिन, मत्ती दी अंजील च लिखिया प्रभु ने कहा, 18 दे आयो दी 20 च लिखिया जिथे दो जां तिन प्रभु कहिंदा उत्थे मैं, शैतान कहिंदा मैं दो तिन इकट्ठे नहीं होण देणे। उहदा टारगेट इह आ वी दो तिन इकट्ठे नहीं होण देणे, ते जिस्मानी तौर ते भावें हजारां इकट्ठे हो जाण गल मनदी है, मन इक होणा, सोच एक होनी, विचार एक होना, एक दूजे नाल तय करन तो सहमत होना। तदे प्रभु ने कहा कहिंदा जिथे दो या तीन उथे मेरी, शैतान कहिंदा मैं दो तीन इकट्ठे नहीं होण दे, या इकट्ठे चल रहे नहीं। कौन पढ़िए। गां ते रिछनी चरन गईआं हां अते उहनां दे बच्चे इकट्ठे बैठणगे। हां इकट्ठे चरनगे ते उहनां दे बच्चे भी इकट्ठे बैठणगे। इहनूं कहिंदे यहोवा दा सतयुग। इहो गल्ल है जिहड़ी प्रभु ने कही, पहलां उहदे राज ते धर्म नूं पालो ते सारियां चीज़ां तुहानूं दित्तियां। पहलां उहदा राज आवे तुहाडी जिंदगी च, पहला खंखारूपन निकले, ईरखा निकले, नफरत निकले, बेईमानी ठगी निकले। पंजाबी जो पढ़ते होंगे स्कूलां च एक मुहावरा आता होंदा ही, एक अख ना वेखना, किन्नी ना हैगियां तो दो आ, पर मुहावरा होंदा ही एक अख ना, एक अख ना वेखना मतलब एक समान वेखना। अखां भावें दो होण ते भावें 50 होण, तदी कई बार कहिंदे एक अख ना नहीं देखदा। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हां जी बब्बर शेर बलद वांगू भो खाएगा। हुण की खांदा, हुण जानवर, हुण डंगरां नूं खाई जांदा, छोटे छोटे दिखाई देवे पर फिर की होवेगा। पढ़िए। बब्बर शेर बलद वांगू भो खावेगा। जिदा बलद घा खांदा, बलद की खांदा तो बब्बर शेर भी खाऊगा। जदों खुदा दा फजल होवेगा, खंखारूपन निकल जावेगा, प्रभु यीशु मसीह वफादारी दया और परमेश्वर का उत्तम ज्ञान लेके आया। ये नहीं कि मैं ही जीना या दूजा जीवे चाहे ना जीवे, मुबारकबाद देना नहीं गल बननी, डर मनना गल बननी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। 128 ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਹੈ,
देखो ओ मर्द मुबारक होवेगा जेड़ा यहोवा दा भय मानदा है। और नहीं कोई। वकील वाला कोट पा के तुसी वकालत नहीं कर सकते। डॉक्टर का चेक करने वाला तुसी गल च पा लो ते तुसी चेक कर लो। तुसी किसी मरीज नू चेक भी नहीं कर सकते ना ठीक कर सकते गां तोड़ सकते जे डॉक्टरी का तजर्बा है नहीं। कहण कहाउण दे नाल नहीं कुछ होना। जिंदगी नू बदलना पैना है, सोच नू बदलना पैना। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए फिर। देखो वो मर्द मुबारक होवेगा। ओ मर्द मुबारक होवेगा फिर वो मर्द बन जाता जेड़ा खुदा दा डर है। जिच तब्दीली आ जाती जिच बदलाव आ जाता है जेड़ा मसीह दे आउण दे भेत नूं समझ लैंदा। वेखो ओ मर्द मुबारक होवेगा उहदे लई साल मुबारक होवेगा जेड़ा अपनी सोच नूं जेड़ा अपने विचारां नूं बदलदा। ते यीशु मसीह आया ही इसे लई। प्रकाश की पोथी 21 अध्याय उहदी 5 आयत पढ़ीए। अते ओ जिहड़ा सिंघासन उत्ते विराजमान है हाँ बोलिया वेख मैं सबो कुछ नवा बनाउंदा हाँ। सबो कुछ नवा बनाउंदा है वारो नहीं अंतै करन जिहड़ा सिंघासन ते विराजमान है बोलिया वेखो मैं सबो कुछ नवा बंदे नूं नवा बनाउंदा बंदे च तब्दीली लैके आउंदा सोच नूं नवा बनाउंदा है। जे सोच नवी बन गई कलाम दे अनुसार तो फिर साल भी नवा है। ते जे साल नवा आ सोच दे नाल तो फिर बरकता भी नवीं मिलनगी। तो जे साल नवा आ गया जिंदगी पुरानी है फिर बरकता भी पुरानी रहनी है फिर नहीं बरकता नवीं आनी क्योंकि बरकता साड़ी जिंदगी ना जुड़िया हुई। आदम तेरे कारण धरती सरापत हो गई। जिदन आदम बदल गया उदन जिथे रहिंदा उत्थे भी आशीष आ जाएगी। जेड़े काम नूं हाथ लाऊगा उत्थे भी आशीष आ जाएगी। इसलिए वो वफादारी लैके आया वो दया लैके आया वो परमेश्वर का उत्तम ते श्रेष्ठ ज्ञान लैके आया। ते साडे लई जरूरी है कि असी उपर उठिए। इस केल नबी दे द्वारा तो बहुत क्लीयर करके लिखिया खंखारूपन पत्थर दा दिल कटन लई आया पढ़ी। इस केल नबी दी पुस्तक 36 अध्याय उहदी 26 ते 27 आई है। अते मैं तुहानू नवा दिल देंगा। राणे नूं की होया हांजी ओ
परमेश्वर अपने बंदे दे द्वारा कहिंदा नवा दिल दियांगा। यरमिया दे वचन च लिखिया दिल पुज के खराब धोखेबाज। अहीं कहिंदे उन्हें धोखा देता उन्हें देता उन्हें देता। सब तो वड्डा इंसान का दुश्मन है ते दिल वाला। तो जे मित्र बन गया तो फिर नवा साल ही यरमिया 17 दे आयो दी 9 एच लिखिया है। पढ़िए दिल सब चीजा नाल धोखेबाज है। अहीं कहिंदे आ उन्हें धोखा देता उन्हें देता उन्हें देता। एवं सज्जे खब्बे घसुन मुके मारी जाती है। दिल ते मारो ये चो निकले नफरत। ये सही हो गए। नवे साल का मतलब अपने दिल नु नवा करो। कोई बंदा दिल दे उल्ट नहीं करता। लिखिया जो मनुख दे मन च भरिया वो वार वो बार जो भरिया है। बुरा मनुख बुरे खजाने जो बुरियां गल्लां कढ़दा ते भला मनुख भले खजाने जो जो भरिया वो वार। पढ़िए हां जी यरमिया 17 अध्याय दी 9 है। दिल सब चीजा नालों धोखेबाज है। दिल सब चीजा नालों धोखेबाज है। वो पुज के खराब है। हाँ पुज के खराब है। उदी बाबत लिखिया हिजकेल नबी ने। खुदा अपने नबी दे द्वारा कहिंदा मैं तुहानू नवा दिल दियांगा। पुराना की हो गया खराब हो गया है। ये काम का नहीं रहा। तद लिखिया हां जी पढ़िए हिजकेल 36 अध्याय उसकी 26 है। अते मैं तुहानू नवा दिल दियांगा। हां केड़ा दिल दियांगा। तद तुहाडे कोल नवा साल होना वधिया। हांजी मैं तुहानू नवा दिल दियांगा अते नवा आत्मा तुहाडे विच पावांगा। हां केड़ा आत्मा पावांगा। नवा आत्मा पावांगा। तदे जदों पवित्र आत्मा आउंदा ते साडी जिंदगी नूं नवा करदा। ताली मारिए जोर दी। साडा आत्मा भी बिगड़ गया ते साडा दिल भी बिगड़ गया। सही नहीं काम कर रहा। नवा दिल ते नवा आत्मा पावांगा। अगे होर लिखिया आ पढ़िए अते तुहाडे मास विचों पत्थर दा दिल कढ लवांगा। हां दिल कादा हो गया हुण नहीं बोलना। हाथ लागे तां मास दा ही लगदा है पर कम पत्थरां वाले। तदे होशिया नबी ने किया ना दया ही नहीं। पत्थर दा दिल हो गया जिन्हां तो वाकई होया हुंदा ना। किते घर दे विच रिश्तेदारी जे झगड़ा हो जावे ना अकिया बंदा पत्थर दा दिल होया बंदा पता की कहिंदा आज तो मेरी पत्थर ते लकीर है। काते वो पत्थर ते लकीर काली दिल ही पत्थर दा होया है। कदे लकीरां बहिंदियां अज तो मेरी पत्थर ते लकीर है ना। तू साडे घर आवीं तां ना ही
ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮ, ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 28 ਤੇ 29 ਪੜ੍ਹਦੀ 29 ਪੜ੍ਹਦੀ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕੋਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਨਰਮ ਹਲੀਮ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੂਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤਦੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹੀਏ 29 ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਈਏ ਇਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 36 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ? ਨਰਮ ਹਲੀਮ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਨੀ, ਦਇਆ ਹੈ ਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨੀ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਏ ਜੋ ਮਸੀਹ ਚ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ 22-23
24 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੋ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਣੋ, ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਮਈ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਮਈ ਤੇ ਸਲੂਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਲਹਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਲੂਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੇਸਟੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਦਇਆ, ਤਰਸ, ਰਹਿਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ, ਯਤਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2023 ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।